फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अब किसी अहल शख्स को अपना सुल्तान चुनना होगा। रियासत उसके असल हकदार को ही मिलनी चाहिए। मैं भी इस कबीले की सरदार रह चुकी हूँ और आपका फैसला मेरे लिए काबिले इज्जत है, लेकिन हर चीज की एक हद जरूर होती है और आप वो हद पार कर चुके हैं। मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलेंगी है और ना किसी से मुलाकात करेंगी। आज ही इस मुआहिदे पर मोहर जब्त होगी। अगर मुझे कबीले ले जाकर मारने की कोशिश की तो बादशाह तुम लोगों के टुकड़े कर देगा, याद रखना। तुम्हारी मौत तुम्हें यहां लाई है, हमला करो। कबीले जिक के जमींदार को जानबूझकर गिरफ्तार किया ताकि अहमद उसे बचा सके और उसका एतमाद जीत सके। अब मुझे फौरी तौर पर सोच जाकर वहां पर कबीले के लिए जगह का तयन करना होगा। बिले जिक का जमींदार खामोश नहीं बैठेगा भाई, हमले के लिए तैयार होगा। वो जानता है कि आप जाएंगे। यकीनन आर्तुर भाई, यकीनन। लेकिन जब वो हम पर हमला करने का सोच रहा होगा, हम हकीकत में अहमद के साथ मिलकर उस पर हमला कर देंगे। बिले जिक के जमींदार को और दीगर काफिरों को अपने रास्ते से हटा देंगे हम, और फिर उसके बाद सादतीन को पैक की बारी आएगी। अब उस मलून का सर तन से जुदा करने का वक्त आ गया है। अब जबकि पूरी हुकूमत पर काबिज है वो, ये कैसे मुमकिन होगा भाई? अगर रियासत तवाज़ुन खो दे तो फिर रिवायतें दम तोड़ जाती हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुर्क प्यासे रहें या भूखे रहें, लेकिन रियासत के बगैर नहीं रहेंगे। या तो ये रियासत इंसाफ को कायम करेगी या फिर हम इंसाफ की बुनियाद पर एक नई रियासत कायम करेंगे। इसके लिए मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। बेशक तुम रियासत के सरदार आला हो, लेकिन मैं यहां से निकल ही जाऊंगा। फिर देखते हैं क्या कर पाते हो।
खैरियत तो है सब भाई? विलेज के जमींदार को ले जाने वाले हमारे सिपाहियों पर हमला हो गया है, सब सिपाही शहीद हो गए। मलून जमींदार, फौरन उसके ताकुब में सिपाहियों को रवाना करें, चाहे उन्हें जमीन की तह में ही क्यों न जाना पड़े, ढूंढे बगैर वापस न लौटे। इसका मुख्तसर यह है कि मैं सिर्फ अर्तुरुल की कैद से ही आजाद नहीं हुआ, बल्कि मैंने सलजूक सल्तनत में भी एक तूफान खड़ा कर दिया है। देख लो, सुल्तान अलाउद्दीन मर चुका है, अर्तुरुल की हिमायत रखने वाला किलिच अर्सलान वो भी मर चुका है। सलजूकों की रियासत तबाह होने वाली है। तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है आरिस, बादशाह जरूर इसे पेश नजर रखेंगे। जब अर्तुरुल मर जाएगा, सादुद्दीन कोपैक को हम खत्म कर देंगे, तो ये तुर्क खुद ही यहां से चले जाएंगे। तुमने जो किया है वो काबिले सताइश है आरिस। अमीर सादुद्दीन वहां कारवान सराय में मेरा मुंतजिर है, मगर मेरी जगह वहां तुम उससे मिलोगे। तुम वहां मेरे सफीर की हैसियत से जाओगे, उसकी ख्वाहिश सिर्फ अर्तुरुल की मौत है। अर्तुरुल को मार देंगे हम, उससे यह कहना, मगर सऊद की सरजमीन के लिए मुझे उसकी जमानत दरकार है। मुझे कोई शुबा नहीं कि तुम सादुद्दीन से बखूबी निमट लोगे, या मैं गलती पर हूं? आप हर किस गलती पर नहीं है ग्रिदोस। सादुद्दीन कोपैक को मुझ पर छोड़ दीजिए, आप सोत जाइए, अर्तुरुल का किस्सा खत्म कर दीजिए। मैं अर्तुरुल को खत्म करने के लिए सऊद जाऊंगा। कल एक बड़ा दिन है हमारी जीत के नाम मेरे दोस्त। लानत हो। खैर है, अगली बार इसकी तलाफी कर देंगे। खुशखबरी का मुंतजर रहूंगा मैं। मैं भी क्रितोस, सोच से बेहतरीन खबर का इंतजार है मुझे। अल्तुनाबा, मेरी हुक्म दूली करते हुए कैसे इस किताल के मुर्तकिब हुए? मेरे हुक्म के खिलाफ जाकर कैसे वो एक शहजादे और मलिका को मार सकते हैं? मसला सिर्फ यही नहीं है सुल्तान, इस हादसे की संगीनी इससे भी कहीं बढ़कर है। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम्हारे इल्म में है,
इस मामले में भी अर्तुरुल ही मुलव्विस है सुल्तान। इस मामले से अर्तुरुल सरदार का क्या ताल्लुक सादतीन? मेरे ख्याल से वो शहजादा क्लिच अरसलान को छुड़ाकर आपके खिलाफ इस बगावत को हवा देने की तैयारी करना चाहता था सुल्तान। अल्तुनापानी यकीनन इस बात से खौफजदा होकर आपके हुक्म के खिलाफ जाकर शहजादे और मलिका को कत्ल कर दिया। अल्तुनापानी अपनी इस नाकाबले फहम हरकत की और अपने इस जुर्म की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और अब अर्तुरुल की बारी है सुल्तान। इस सूरत हाल को नजरअंदाज ना कीजिएगा सुल्तान, शैतान का चेला। दुरुस्त, अर्तुरुल साहब का हिसाब देना होगा। अब बहुत हो गया सुल्तान मौसम, हमारी रियासत में सुकून तबाह हो गया। बस बहुत हुआ। अर्तुरुल ने मुझे मक्तूब भेजा था सादतीन। क्या वाकई? क्या लिखा है उस मक्तूब में सुल्तान? अल्तुनबाने, मेरे भाई को अनकरा के किले ले जाने के बजाय रास्ते में ही उनका गला दबाकर मारने की कोशिश की, जिससे उन्होंने उनको बचा लिया। लेकिन जब वो भाग रहे थे, खंजर मार के उन्हें हलाक कर दिया और उसके बाद फरार हो गए। वाकई ऐसा हुआ था? बिल्कुल। अल्तुनबाने अर्तुरुल की वजह से नहीं बल्कि इरादी तौर पर इस जुर्म को अंजाम दिया। और उसके बाद मेरे भाई की लाश को महल भिजवा दिया उन्होंने। उनकी मरहूम वालिदा की मैंने अंकरा में तदफीन करवा दी थी, ताजियत कबूल कीजिए। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि इस हादसे के बाद भी आप अर्तुरुल को हर खता से मुबर्रा समझते हैं सुल्तान। मेरी राय हमेशा उनके लिए वही रहेगी। उनकी मुझसे और रियासत से वफादारी साबित है। मेरे भाई और उसकी वालिदा को कत्ल करने वाले अल्तुनबा को सजा तुमने दी। अर्तुरुल जैसा शख्स भरोसे के लायक नहीं सुल्तान। इंशाअल्लाह बहुत जल्द समझ जाएंगे आप। अर्तुरुल सरदार मेरे और मेरे बाबा के साथ वफादार रहे हैं हमेशा। मेरे भाई को अनकरा के किले पहुंचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी उन्होंने। मुझे यकीन है उन पर। तुर्क कबाइल को जमा करके जब वो कोनिया आ पहुंचेगा तब भी आपकी यही राय होगी? मैं ये देखना चाहूंगा सुल्तान। मेरे फैसलों पर उंगली उठाना तुम्हारा काम नहीं है सादती। दरबार में मौजूद रियासत के दीगर अराकीन भी मेरी तरह ही सोचते हैं, ये मैं जानता हूं सुल्तान। अमीर हजरत दुरुस्त फरमा रहे हैं सुल्तान। सुल्ताने मौसम, बेहतर होगा कि आप रियासत के मफाद की खातिर एक बार अपने फैसले पर नजरे सानी फरमा लें। सुल्तान के हुक्म की तामील हम लोगों का नज़्मुलैन है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई खतरे से आगाह करके। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए। सरदार, हमने कबीले के बाकी सरदारों से भी इस मामले पर मशवरा किया है। अब जबकि कबीला यहां बस चुका है तो फिर हिजरत की कोई जरूरत नहीं। हमने अपने माजी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है तो फिर अब आप लोगों को हिजरत करने में मसला क्यों हो रहा है? सरदार, इस सरजमीन पर हमने अपना खून पसीना बहाया है, हम खुश हैं यहां, तो फिर दूसरे इलाके में हिजरत करने की जरूरत क्या है? अब तो हालात भी काफी बेहतर हो चुके हैं।
वैसे भी वो इलाका तो हमारे दुश्मनों के बहुत करीब है, वहां बहुत खतरा होगा हमें। सरदारान, मेरी बात सुनिए, जब हम दोनों कबाइल एक हो जाएंगे तो किसकी जरूरत होगी हमारे सामने खड़े होने की? हम दोनों कबाइल सीसा पलाई दीवार की तरह मजबूत खड़े हो जाएंगे। आखिर किस बात से खौफजदा हैं आप लोग? पहले रियासत हमारे साथ थी बंसी साहब, रियासत का हाथ हमारे सरों पर था, और अब रियासत ने अपना हाथ हमारे सरों से हटा लिया है। हम वहां नहीं बस पाएंगे तुर्कुत सरदार। सरदारान, ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। आखिर ऐसा कब हुआ है कि गलबा पाने के बाद हम कमजोर पड़ गए हों? बुजदिलों का रास्ता नहीं है हमारा। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद ने सऊद को हमारे बसने के लिए अर्तुरुल सरदार के हवाले किया। यह हतमी फैसला है मेरा और अर्तुरुल सरदार का। सऊद हिजरत करेंगे हम, और आइंदा मैं इस मामले को दोबारा नहीं उठाना चाहता। असलेहान, तुम्हारी आजमाइशें मामूली नहीं हैं, जानती हूं। अर्तुरुल सरदार का ये फैसला तुम्हारे लिए मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के इन दिनों में रास्ते से हट जाना हमारे लिए मुनासिब नहीं। हलीमा खातून, या तो मैं अपनी बात समझा नहीं पा रही या कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। इस बार हालात पहले से बहुत मुख्तलिफ हैं। पूरी रियासत को हमारे खिलाफ खड़ा कर सकता है वो अमीर सादतीन। क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे आप लोग? अमीर सादतीन जैसा सोचता है वैसा करने के काबिल नहीं असलेहान। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने मर्दों और सिपाहियों पर भरोसा करते हुए उनके साथ खड़े रहें। मेरी बहन, अमीर सादतीन किस कदर जहरीला है ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुर्कुत और मुझसे उसकी दुश्मनी को भूल गई हो क्या? परेशान मत हो तुम, हमारे शोहर मिलकर अमीर सादतीन से निमट लेंगे इंशाल्लाह। अमीर सादतीन सामने आकर लड़ने वाला दुश्मन नहीं है, इसीलिए उसकी मुखालफत करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे ही औताक में उसने हमें जहर दे दिया था, तो सोचो और क्या कुछ कर सकता है। अगर गद्दार कोई चाल चलता है तो अल्लाह उसका तोड़ जानता है असलेहान। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन अगर यूं ही तशवीश लिए बैठी रही तो हमारे कबाइल की सलामती के लिए सूदमंद नहीं होगा। शहजादा किले जरसलान और उसकी वालिदा के कत्ल में क्या आप मुलव्वस थी? अल्तुनबा अपनी हद से तजावुज कर गए। अमीर सादतीन ने जो जरूरी था वो ही किया। अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाए। आपसे जो पूछा है उसका जवाब दें। क्या आप शामिल थी? अगर अर्तुरुल किले जरसलान को बचा लेता तो आप जानते हैं क्या होता सुल्तान? मेरी फौज और रियासत के अरकान मेरे साथ हैं। यही कहा था ना आपने वालिदा? बिल्कुल कहा था, लेकिन अमीर सादतीन के रियासती अरकान पे असर व रसूख से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। मजीद ये कि बरसों से सोए तुर्क कबाइल बेदार हो गए हैं, दूसरी जानिब वो बाबाई किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं। क्या आपके ख्याल में उनकी बगावत हमारी रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी सुल्तान? आप मेरे सवाल का जवाब दे वालिदा। मेरे भाई और उसकी वालिदा के कत्ल में शामिल थी क्या आप? अगर मैं ऐसा ना करती तो अपनी मां होने की जिम्मेदारी से गफलत बरतती फर्जंद।
अगर आप मेरी वालिदा ना होती तो अभी खत्म कर देता आपको, और पीछे पलट कर भी नहीं देखता। अगर मुकद्दर मौत है तो अपने हाथों से ही मार दीजिए मुझे सुल्तान। मैं खौफजदा हूं, आप ये समझते हैं? मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। मौत का खौफ नहीं है मुझे। क्या आप अभी भी यही समझती हैं कि सादतीन ने अल्तुनवा को मेरी इताद के लिए मारा है? आपको दिखाई नहीं देता आपने मुझे भेड़ियों के झुंड में फेंक दिया है? मैंने आपको सुल्तान बनाने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश की है, अब सुकून से मर सकती हूं मैं। और सादतीन वालिदा, उसे क्या हुआ है? आप तीनों ने मिलकर मुझे सुल्तान बना दिया, अल्तुनबा को उसने कत्ल कर दिया, अब सिर्फ आप बची हैं वालिदा। आपने मुझे मेरे कमरे में कैद कर रखा है। अगर आप उस शख्स से खौफजदा हैं तो आपको मुझे कैद से बाहर निकालना होगा ताकि उससे अच्छी तरह बात पूछ कर सकूं मैं। क्या आप अब भी उसकी मुझसे वफादारी पर यकीन रखती हैं? तो फिर मैं आपकी मुझसे वफादारी पर कैसे यकीन रख सकता हूं? आखिर क्या वजह है जो आप ये बात कहने पर मजबूर हो गए सुल्तान मौजम? आप मेरे फर्जंद हैं। सादतीन का जहां तक ताल्लुक है वो भी आपको सुल्तान बनाना चाहता था, बाकी सबकी तरह। वो आपको मजबूत देखना चाहता है, आपका दस्ते रास्त बनने का ख्वाहिशमंद है। अब ये आप पर मुनसर है कि आप उसे किस तरह अपनी मुट्ठी में रखते हैं। वो मुझे अपनी मुट्ठी में रखता है वालिदा, वो मुझसे ऐसे खेलता है जैसे कोई लोमड़ी खरगोश से। सिर्फ आपकी वजह से मेरी फौज और सल्तनत के अरकान उसकी इताअत करते हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता? अगर वो हद से तजावुज करता है तो जो आपको मुनासिब लगे वो करें। रियासत की इन मकरूह चालों को जितना जल्द हो सके आप समझ लें तो बेहतर है। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगी, और आपकी कुव्वत में इजाफे के लिए दुआ गो रहूंगी। गुनार पे एक सफाक शख्स है, उसने यहां आते ही इंतहाई इकदामात कर डाले। अगर आप वक्त पर ना आते तो वो हमारे सरदारान को मौत की घाट उतार देता। गुनार नियत का खालिस और रियासत का वफादार है, उसकी आंखों पर पर्दे पड़े, अमीर सादतीन के जेरे असर है। मेरी नियत उसे उसके ख्वाब गफलत से बेदार करना है और कुछ नहीं। अर्तुरुल, मैं जानती हूं कि आप उसके अगले कदम का इंतजार करेंगे, लेकिन मोहतात रहिएगा, गुजारिश है मेरी आपसे। वो असलेहान खातून सऊद हिजरत करने पर मुतरद्दिद हैं। असलेहान खातून तो बहुत बहादुर हैं, वफादार हैं हमसे, उन्हें क्या तरद्दुद है? अमीर सादतीन के गजब से खौफजदा है वर्दुर। उनका ख्याल है कि वो रियासत में अपनी ताकत बढ़ाते ही हमला करेगा हम लोगों पर। वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती। वो बहुत मुश्किल हालात से गुजरी हैं, समझ सकता हूं। अपने कबीले के बारे में सोचना उनका फर्ज है, लेकिन उन्हें अपने खौफ से छुटकारा पाना होगा, और हमें इस मामले में उनकी मदद करना होगी। हलीमा, बात करूंगा मैं उनसे। जैसा बेहतर समझे आप।
क्या बात है, क्यों आए हो यहां? हम आपको ले जाने आए हैं। कहां? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। सिपाहियों ठहर जाओ, पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम रियासत के किलेदार को खत्तार समझ के उसे जबरदस्ती काबू करोगे? मैं यहां अपने कदमों पर चलकर आया हूं, हद में रहो अपनी। गुनाल सरदार, बेहतर होगा कि हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी ना करें आप, वरना हमें जबरदस्ती करना पड़ेगी। लानत हो तुम पे अर्तुरुल। खैरियत तो है अमीर हजरत। गुनाल के मुकर्रब आयदुमुश ने लिखा है कि अर्तुरुल ने मुआहदे को तोड़ते हुए जमींदार क्रितोस को मारने के लिए कबीले भेज दिया है और गुनाल सरदार को जिंदान में डाल दिया है। कारा जहिसार पर हमला करके उस अर्तुरुल पर वो किला ढा देते हैं। रहने तो जमींदार क्रितोस संभाल लेगा। क्या वो अभी जिंदा है? अर्तुरुल के सिपाही उसे कबीले ले जाते हुए हमले में मारे गए। जमींदार और उसके हवारी फरार हो गए। आला, इस हादसे के बाद अब अर्तुरुल को सरदार आला के मनसब पर फाइज नहीं रहने देंगे। अगर सुल्तान ने अर्तुरुल का साथ दिया तो फिर आप क्या करेंगे अमीर हजरत? हमारे वुजरा और फौज के कमांडरों को फौरी तौर पर खबर कर दो कि हमारी रियासत के मफाद और सालमियत हमारे सुल्तान की बेवकूफियों की वजह से शदीद खतरे में पड़ चुकी है। आज शब उन सबको मुझसे मुलाकात करनी होगी। अर्तुरुल से सरदार आला का मनसब छीन लेंगे हम, फिर कारवां सराय जाऊंगा और जमींदार क्रितोस से अर्तुरुल से उसका हिसाब बेबाक करने के लिए तमाम तर मामला तय करूंगा मैं। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। सोद हमें सुल्तान अलाउद्दीन के कोबाद हजरत की तरफ से अता किया गया था। सोद हमारे लिए एक नया दरवाजा होगा जो हमारे लिए नए इलाकों को वसत देगा और हमारे लिए जिहाद के नए रास्ते हमवार करेगा। हमारे अजदाद का कौल है कि सोते हुए शेर की बजाय चलती हुई लोमड़ी का शिकार बेहतर है। अपने मफतूहा इलाकों में साकिन रहना हमें जंग लगा देगा। भाई अब हम बगैर रुके उन नए मैदानों में जिहाद के लिए दौड़े चले जाएंगे इंशाल्लाह। नए इलाकों की तरफ हिजरत करना बहुत बेहतर है साहब। इंशाल्लाह हमारी नई रियासत खुशहाली लेकर आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी क्या राय है असलहान खातून? सरदार मेरे कुछ तहफ्फुज़ात हैं इस बारे में। कैसे तहफ्फुज़ात बताइए? अमीर सादतीन कितना साजिशी इंसान है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बदकिस्मती से उसने पूरी रियासत को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मुझे खौफ है कहीं वो हमारे खिलाफ कोई फितना ना खड़ा करे। जो शख्स हमारे सुल्तान को मार सकता है वो हमारे साथ क्या करेगा? असलहान खातून, अमीर सादतीन अब तक हमारे लिए कई जाल बिछा चुका है, लेकिन अल्लाह की मदद से हम हर बार उसके जाल से बच निकले। उसकी हर साजिश ने हम सबको और करीब कर दिया एक दूसरे से, हमें और भी मजबूत कर दिया। आप जानती हैं हमारा मकसद बहुत अजीम है। ये राहें खौफ के साथ तय नहीं की जाती।
इसके बरक्स, मुश्किलें जितनी ज्यादा बड़ी होंगी, हिम्मत उससे भी बढ़कर होगी, वरना इससे महज फासले पैदा होंगे। अब आप मुझे बताइए, आलियार भाई अगर होते तो वो क्या करते? आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन चावतार सरदारान राजी नहीं है। वो यहां से हिजरत करने के सख्त खिलाफ है। मैं कबीला तकसीम नहीं करना चाहती। असलहान खातून, मैंने हक पर चलने के लिए भाइयों से भी इख्तलाफ किया, मेरा कबीला भी तकसीम हुआ, लेकिन देखिए सरदार आला हूं आज मैं। मजलूमों की उम्मीद और रियासत की अलहदा शनाख्त बन चुके हैं हम। गो के हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार हुए, मगर हमने बिल्कुल सही फैसला किया था और वक्त ने यह साबित कर दिया है। खौफजदा ना हो आप, हमारा रास्ता मुतायन है। यह ज्यादा बेहतर है उनसे जो आधे रास्ते से वापस पलट जाते हैं या सफर की मुश्किलात को देखते हुए साथ ही नहीं चलना चाहते। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिल से आमादा हो और उफुक की बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश हो जिनकी। आप मुझे सारी बातें तफसील से बताइए। अल्तुनाबा को खत्म करके आपका और सुल्तान का नाम बचाया है मैंने। उम्मीद है ये बात बखूबी समझती हूं कि आप महापरी खातून। ये बताइए कि हमारी रियासत उस अर्तुरुल से कभी निजात पा सकेगी या नहीं सादतीन? जरूर पाएगी महापरी खातून। अर्तुरुल के मामले में जमींदार क्रेदोस और गुनाल सरदार को एतमाद में लेना होगा हमें, ताकि फिर उसे सरदार आला के मनसब से हटाया जा सके। इसके लिए जो जरूरी हो वो करूंगा। आपको भी साथ देना होगा ताकि अर्तुरुल को सुल्तान को हमारे खिलाफ अपनी तलवार इस्तेमाल करने से रोक सके हम। सुल्तान से बात करूंगी मैं। आला, कल मैं जमींदार क्रेदोस से कारवान सराय मिलने जाऊंगा। अर्तुल को खत्म करने के लिए उसके अख्तियार में जो कुछ हुआ बिलाशुबा वो जरूर करेगा। सुल्तान मुअज्जम के सफर पे जाते ही जमींदार क्रेदोस कारा जहिसार किला हमसे लेने की कोशिश नहीं करेगा, इस बात की क्या जमानत है अमीर सादतीन? अभी सुल्तान बनने वाले मेरे बेटे की साख को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कैसे एतबार कर ले? आप बिल्कुल फिक्र ना करें महबरी खातून, मैं उसके हर उठते कदम से आगाह रहने के लिए जासूस मुकर्र करूंगा। वो मुझे बाखबर रखेगा। अगर उसने ऐसी कोई भी हरकत की तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा। बहुत खूब, मुझे इजाजत दीजिए। अर्तुरुल के साथ तुम भी मारे जाओगे कोपेक। रियासत सिर्फ मेरे बेटे की है।
सरदार, मुमकिन है कि हिजरत के हवाले से मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा हो। आप तो जानते हैं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। मैं आपको खोने और कबीले के तकसीम होने के डर की वजह से परेशान हूं बस। मैं जानता हूं असलियान, जानता हूं। मेरा भी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे ज्यादा कबीले के बारे में सोचता हूं। सोच में हमारा मुस्तकबिल बहुत शानदार होगा इंशाअल्लाह। यह हिजरत हमारे कबीले के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आप मेरे सर का ताज है। मैंने अपनी वालिदा, अपने बाबा और अपने भाइयों को खोया है दुर्गुत। जब मैंने आपके गले में फांसी का फंदा देखा, मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूं मैं। सरदार, मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें गमजदा नहीं देख सकता। इंसाफ हो चुका है, अब तुम्हारे साथ हूं मैं। तुम्हारे साथ ही रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। मैं तुम्हारे लिए बुरा कैसे सोच सकता हूं जबकि तुम खुशी बनकर आई हो मेरे लिए। यह मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। खुश रहो हमेशा। बिलेजिक का जमींदार हम पर हमले के लिए बेचैन होगा। वो तादाद में ज्यादा होंगे, इसीलिए तुम सबको बहुत मोहतात रहना होगा। भूलना मत, हमारा पहला हदफ दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाकर राह हमवार करना और फिर सोत की जानिब हिजरत करना है। बंसी, सिपाही, घोड़े और तलवारें तैयार हैं? सिपाही बिल्कुल तैयार, तलवारें कारदार और घोड़े पर गिरफ्तार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। तुम सिपाहियों को लेकर राजदारी के साथ जमींदार की रितोस का ताकुब करोगे और घात लगाओगे। बंसी, जो आपका हुक्म भाई। सुंगुर भाई, तुर्गुत, आप लोग गुनाल सरदार और मेरे करीब रहकर जंग करेंगे। जो आपका हुक्म भाई। जो हुक्म सरदार। अब्दुर्रहमान, तुम कबीले में रुकोगे। जो आपका हुक्म भाई। अब हमारा अगला हदफ सादतिन कुपैक होगा। सादतिन को मारना होगा। मैं उसे और उसके हवारियों को खत्म करके रियासत को उसकी गिरफ्त से आजाद करवा दूंगा। मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे हम और उसे खत्म कर देंगे। सुल्तान का क्या होगा भाई? सुल्तान गयासुद्दीन एक समझदार हुक्मरान हैं जो मुस्तकबिल के खतरात को बखूबी भांप सकते हैं। सादतिन कुपैक जब उन्हें साजिशों में जकड़ के दीवार से लगाएगा, उस वक्त सुल्तान हमारी और हम सुल्तान की मदद करेंगे। और कुपैक को वासिले जहन्नम कर देंगे। और सुल्तान की वालिदा माहवारी खातून? अपनी वालिदा को सुल्तान गयासुद्दीन खुद संभाल लेंगे भाई। बहादुरों, कल के दिन हमारा शुरू होने वाला सफर आज तक के हमारे हर सफर से तवील और ज्यादा मुश्किल होगा। या तो हम इस सफर में सलजूक सल्तनत को बचा लेंगे या फिर एक नई खुद मुख्तार रियासत का पहला बीज बोएंगे। या तो हम खत्म हो जाएंगे या फिर दोबारा जिंदा होंगे। हमारा रास्ता हर कुर्बानी देने के लिए तैयार लोगों का रास्ता है। हमारी जान पर कुर्बान है। बहुत शुक्रिया बहादुर, बहुत शुक्रिया। आप सबको जिहाद मुबारक। आमीन। अब जाके गुनाल सरदार को ले आओ।
कौन हो तुम? मैं तुम्हें यहां से आजादी दिलवाने आया हूं अमीर सादतीन के हुक्म पे। मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम आर्तुक के बच्चे की मां नहीं बनने वाली तो वो तुम्हें मार देगा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो बच्चे की पैदाइश के बाद तुम्हारी जान ले लेगा। दोनों सूरतों में तुम्हें मरना होगा, लेकिन अगर तुम हामी भरो हमारा साथ देने की तो तुम्हें यहां से आजादी भी मिल जाएगी और बहुत सा सोना भी मिलेगा। क्या करवाना चाहते हो मुझसे? तुम्हें हमारे लिए मुखबरी करनी होगी। तुम्हें हर मालूमात के बदले 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। कैसी मालूमात? और ये मालूमात कहां से लाना होंगी? बिलेजिक के जमींदार से। तुम्हें सारी मालूमात पहुंचाऊंगी मैं, लेकिन पहले मुझे यहां से निकालना होगा तुम्हें। मैं जानता था कि तुम एक अकलमंद खातून हो। सब्र करो, अमीर सादतीन तुम्हें जल्द यहां से निकाल लेंगे। अमीर सादतीन का शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से। सुल्तान की मौजूदगी में हम सब अर्तुरुल की बरतरफी का मुतालिबा करेंगे। अर्तुरुल सरदार अगर अपने कबीले के लिए इस हिजरत को बेहतर समझते हैं तो जरूर अपना कबीला ले जाएं, लेकिन हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अमीर सादतीन और जमींदार क्रीटोस कारवान सराय में मुलाकात करने पर रजामंद हो गए। वो एक दूसरे के ताउन से आपको खत्म करना चाहते हैं। सादतीन को पैक को मारेंगे आप? फौरन अपने सिपाही उसके पीछे भेजें। आपको ओहदे से हटाया गया तो वजह आप खुद होंगे। हो सके तो अपनी इज्जत और हठधर्मी छोड़ दीजिए।